दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों के पेट दर्द के बारे में। जो छोटे बच्चे होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 2 ईयर्स टू 5 ईयर और 6 ईयर्स, उसमें अक्सर पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि बच्चा अक्सर पेट में दर्द बता रहा है। कई बार तो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसको स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है, और स्कूल में टीचर अक्सर पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आप बच्चे को घर ले जाइए क्योंकि उसको पेट दर्द हो रहा है। दोस्तों, ये कंप्लेंट इतनी कॉमन है कि ये बच्चे अक्सर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करा चुके होते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं, लेकिन इनको कोई भी रिलीफ होता नहीं। जब पेरेंट्स एक स्पेशलिस्ट के पास आते हैं बच्चे को लेकर, वो बताते हैं कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है और वो कुछ खाता भी नहीं है, तो अगर उसकी केयरफुल हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि ऐसे 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जिनको पेट दर्द का कारण केवल और केवल कब्ज होता है, यानी कि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही वो दर्द बताते हैं। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि बच्चों में जब कब्ज होता है तो वो जब स्टूल पास करते हैं उसमें पेन होता है। उस पेनफुल स्टिमुलाई को अवॉइड करने के लिए वो बच्चे पोटी को अवॉइड करते हैं, जिससे कि स्टूल आंतों में ही जमना स्टार्ट हो जाता है और आंतें फूलनी स्टार्ट हो जाती है। उसे बोलते हैं स्टूल इंफेक्शन, और धीरे धीरे ये एक साइकिल बन जाता है। पेरेंट्स इसको अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि हर दूसरे दिन और तीसरे दिन तो बच्चा स्टूल जा ही रहा है, उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। तो दोस्तों, अगर आपके बच्चे के पेट में भी दर्द है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, तुरंत एक स्पेशलिस्ट से सलाह लें जिससे कि आंतों को खराब होने से बचाया जा सके। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।